19 जुलाई 2023 को सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को पिछले दिनों कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने यह सम्मान लिया। इस कार्यक्रम के बाद स्मृति ने बताया कि कैसे उनकी अंशुमान से मुलाकात हुई और शादी के मात्र 5 महीने बाद ही वो विधवा हो गई। कीर्ति चक्र लेते समय स्मृति के चेहरे पर जो भाव थे उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों ने भावुक कमेंट किए। हालांकि अब शहीद का परिवार दूसरी खबरों की वजह से चर्चा में है। अंशुमान के माता और पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो NOK यानी कि नेक्स्ट टू किन नियम की परिभाषा तय करें। अभी इसके लिए जो मापदंड हैं वे ठीक नहीं हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर NOK है क्या। दरअसल जब कोई शख्स सेना में भर्ती होता है तो उसे माता पिता का नाम निकटतम रिश्तेदारों के रूप में दर्ज किया जाता है। शादी के बाद माता पिता की जगह पत्नी का नाम दर्ज हो जाता है। जवान के शहीद होने के बाद आर्थिक मदद से लेकर तमाम सैन्य सुविधाएं उसकी पत्नी को मिलती हैं। इसी को NOK कहा जाता है। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता और पिता ने इसी नियम में बदलाव की मांग कर डाली। एक चैनल से बातचीत में कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा कि NOK का जो निर्धारित मापदंड है वो ठीक नहीं है। इस बारे में मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत करा चुका हूँ। 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। बहू ने हमसे बगैर पूछे मेरे बेटे का परमानेंट पता भी बदलवा दिया है। अब हमारे पास क्या बचा है? इस नियम में बदलाव होने चाहिए। अगर बहू परिवार में रहेगी तो क्या होगा, नहीं रहेगी तो क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा? शहीद के ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारी थी ये सब भी देखना चाहिए। मेरे बेटे को कीर्ति चक्र मिला, मेरी पत्नी भी बहू के साथ सम्मान लेने गई पर वो कीर्ति चक्र को छू तक नहीं पाई। 2 दिन पहले रायबरेली में राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। इस बारे में जानकारी देते हुए अंशुमान सिंह के पिता कहते हैं कि राहुल जी ने मुझे आश्वासन दिया कि वो राजनाथ सिंह से इस बारे में बात करेंगे और इसका कुछ हल निकाला जाएगा। इसी तरह मां मंजू सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जी से बातचीत में मैंने यही कहा कि मेरे साथ तो ये घटना हो गई पर नियमों में परिवर्तन हो ताकि आगे किसी अंशुमान सिंह के माँ बाप को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। बहुएं भाग जा रही हैं, ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही। मुझे अच्छा लगा कि बुला रहे हैं। 2 दिन फोन आता रहा, हमारे पास नहीं टाइम था, तबीयत भी मेरी खराब हो गई थी तो गए मिलने के लिए। बहुत सम्मान और मुझे संतावना देने के लिए ही बुलाए कि हम पूरा देश आपके साथ है और आपका बेटा इतना बड़ा काम करके गया है, कितने फैमिलियों की जिंदगी बचाया है, तो उसके लिए सम्मान के लिए ही बुलाए। बाकी तो फ्लो में कुछ आदमी बोल ही देता है, अरे ऐसे ही कुछ जो भी चल रहा है, तो मैं अब उस पर नहीं चर्चा करना चाहती। पर वो मैं अपनी ओपिनियन थी, मैं अपनी ओपिनियन रख दी। बाकी उसका इशू नहीं बनना चाहिए, राजनीति नहीं चलनी चाहिए। गौरतलब है कि अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली हैं। अंशुमान के पिता का दावा है कि बेटे की 13वीं के अगले ही दिन वो अपने मायके चली गईं और दोबारा लौट कर नहीं आईं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।